झारखंड में लगातार दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश कई मुसीबतों का भी कारण बन रही है। झारखंड की स्वर्णरेखा, खरकई, कोयल, दामोदर और बूढ़ा नदी उफान पर आ गई हैं। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि बारिश कब रुकेगी। बता दें, अभी बहुत जल्दी झारखंड में इस मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन भी उत्तरी पश्चिमी विभागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश और कहीं कहीं पर तेज हवाओं का झोंका और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार दोपहर के बाद से मौसम साफ होने लगेगा और उसके बाद अगले 4 दिनों तक के लिए अभी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर गढ़वा, पलामू, लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में ऐसे तो कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे सटे जिलों का असर यहां भी देखने को मिलेगा। इन्हीं कारणों से लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है और किसानों को खेत में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच जाने के कारण पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले कई निचले इलाके में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जमशेदपुर के तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को सुरक्षित रखने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त को विशेष निर्देश जारी कर राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनके दवाइयों, रहने और खाने का भी इंतजाम सुनिश्चित करें और राहत और बचाव कार्य भी चलाने का निर्देश है। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है एवं नदी में नहीं जाने का आग्रह किया है। इसके अलावा रांची नगर आयुक्त ने रांची नगर निगम की टीम को पूरे निगम क्षेत्र का भ्रमण कर जल जमाव की स्थिति से लोगों को तत्काल राहत देने का भी निर्देश दिया है। रांची के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि नालियों में कूड़ा, प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल इत्यादि नहीं डालें। अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो निगम के दूरभाष संख्या 1800570125 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। लेकिन सोमवार को मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब सामान्य से सिर्फ 6% कम बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है। धनबाद और रांची समेत कई जिलों में तो इस वर्ष सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम पाकुड़ जिले में बारिश हुई है, यहां सामान्य से 50% कम बारिश हुई, जबकि चतरा में 31, देवघर, गुमला में 24, लोहरदगा में 23 और चाईबासा में 20% कम बारिश हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों में इस साल सामान्य बारिश हुई है।